बता रहे हैं यहाँ पे तालाब है और उन मछलियों का कोई खाता नहीं है। देखिए बता रहे हैं उन मछलियों को कोई खाता भी नहीं है। अच्छा पहले से नहीं, पहले बताया जाता था यहाँ पे वो कुछ नस वाली मछली कोई होती है। हाँ, कैसा है भैया कटहल? कटहल कैसा भैया बताएंगे? 40 रुपये किलो है कटहल, आप ले सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे कटहल। हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और साथियों इस समय मैं हूँ रामपुर बुजुर्ग। जी हाँ, ये रामपुर बुजुर्ग जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि बिहार के बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर है। और आज मैं आपको बिहार में लिए चलता हूँ, जहाँ की पहला जो है बाजार यहाँ से कुछ दूरी पर पड़ता है, जिसका स्थान का नाम है मैरवा। तो आप ये देख रहे होंगे मेरे पीछे रामपुर बुजुर्ग का सीन। तो चलिए साथियों चलते हैं हम लोग कहाँ पर? जी हाँ, मैरवा। तो आइए चलिए दोस्तों चलें, बिहार में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो साथियों ये देखिए, ये जो है अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में ही हैं, और आगे थोड़ा सा आगे हम लोग चलेंगे, वहाँ पे आपको बोर्ड दिखेगा जो कि बिहार में आप प्रवेश कर रहे हैं उसका लगा है। देखिए थोड़ा सा आगे चल के, तो साथियों ये देखिए लिखा हुआ है बिहार राज्य सीमा प्रारंभ। जी हाँ, यहाँ से बिहार राज्य सीमा प्रारंभ है। हम लोग अब बिहार में प्रवेश कर चुके हैं साथियों। तो आप लोग अगर जो यहाँ आइए तो याद रखिए, दारू मत लाइएगा, ना पी के आइएगा, नहीं तो पकड़े जाइएगा। तो साथियों चलते हैं हम लोग बिहार में। देखिए सामने लिखा हुआ भी है, मद्य निषेध जांच चौकी धरनी छापर सीमान बिहार। जी हाँ साथियों, ये सीमान बिहार में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। देखिए सामने गाड़ी आ रही है। साथियों हम लोग जो है देखिए मैरवा में अब प्रवेश कर चुके हैं, और ये देखिए पूरा जो है भगवे रंग में रंगा हुआ मैरवा। यहाँ पे लग रहा है कुछ कार्यक्रम हुआ था शायद किसी प्रकार का, रामनवमी का। जी हाँ, जो हमारे सहायक मोटरसाइकिल चालक हैं बता रहे हैं, रामनवमी का यहाँ कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाया गया था। और ऐसे गाड़ी आती हुई, बहुत छोटी सी गाड़ी है ये, लेकिन ये UP 52 देवरिया जिला। जी हाँ, जो पास में ही जिधर से हम लोग आए हैं वो देवरिया जिला है, और देवरिया जिला से होते हुए हम लोग रामपुर बुजुर्ग होकर के आए हैं। और अब हम लोग उस चौराहे पे पहुंचेंगे जिस चौराहे का नाम है कौन सा, मझौली राज चौराहा। लेकिन मझौली राज यहाँ नहीं है, ये मैरवा है, मझौली राज होके जाता है रोड, इसीलिए जो है रखा गया है यहाँ का नाम मझौली राज चौराहा। ये है चौराहा, और इस साइड आप जो है रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे, यहाँ फलों की दुकानें लगी हुई। इधर से आप रेलवे स्टेशन जाएंगे, इधर से सीधे आप चले जाएंगे हरे राम बाबा मंदिर की तरफ, और इधर से ये गुठनी और मेहरौना की तरफ आपको जाना होगा। तो आप जाएंगे और उधर से घूम करके फिर आप आ सकते हैं हरे राम बाबा की तरफ, इधर की हम आएंगे। इधर देखिए, और ये HDFC बैंक, और साथ में MS मॉल, और यहीं पे शायद SBI हुआ करता था, शायद दिख नहीं रहा राज, ऊपर इसके जो है SBI है। और यहाँ पे अभ्यास क्लासेस अगर जो आप चाहे पढ़ना तो आकर के पढ़ सकते हैं। और ये हम लोग आ रहे हैं, ये तिराहा है। जी हाँ, ये तिराहा है, ये गुठनी मोड़ तिराहा बोला जाता है। इधर आप गुठनी मेहरौना होते हुए फिर देवरिया में प्रवेश कर सकते हैं लार जाने के लिए, लार सलेमपुर मऊ चाहे जहाँ चाहें। और इधर हम लोग चल रहे हैं फिर हरे राम बाबा की तरफ, और ये यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है जो कि बहुत बड़ा शाही जी का पेट्रोल पंप बोला जाता है। तो साथियों ये है बाबा हरिराम न्यू सब्जी मंडी मैरवा। ये देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है, और यहाँ पर थोक में माल मिलता है, सामान जो है यहाँ पे जो भी सामान है यहाँ पे वो थोक में मिलता है। और ये आपको यहाँ की सब्जी मंडी घुमाते हैं और दिखाते हैं यहाँ की सब्जी मंडी। यहाँ पर ये छोटे छोटे देखिए कटहल रखे हुए हैं, यहाँ पे छोटे कटहल मिलते हैं, बड़े बड़े नहीं मिलते हैं। और ये देखिए बहुत बड़ा बाजार लगता है यहाँ पर, ये मैरवा का सब्जी मंडी। ये इधर देखिए, इधर ट्रक लगे हुए हैं, और इधर ये माल उतारा जा रहा है। ये भिंडी है, हरी सब्जी। यहाँ पे बिहार टॉनिक भी मिल रहा है, पी सकते हैं, चने का सत्तू होता है ये। देखिए चिल्ला रहे हैं चने का सत्तू। और इधर लहसुन देखिए कैसे लगा हुआ है, इधर आलू प्याज, यहाँ लाल लाल आलू, यहाँ पे ज्यादा लाल आलू खाए जाते हैं, सफेद वाले नहीं खाए जाते हैं। पे फोन की भी व्यवस्था है। देखिए अनानास का ढेर लगा हुआ है यहाँ पर, केले का भी ढेर लगा हुआ, बहुत भीड़ है यहाँ पर।
कटहल कैसे बा जी? कैसे बा? 160 रुपए पाला। तो साथियों, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है। ये है बाजार मैरवा का, जहाँ की समय मैं आया हुआ हूँ। सोचिए कितनी दूर से चल के आया हुआ हूँ, और जो है बहुत जो है जबरदस्त। कैसा है भैया कटहल? कटहल कैसा भैया बताएंगे? 40 रुपए किलो है कटहल, आप ले सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे कटहल मिलते हैं। साथियों, ये है सहजन का जो है सब्जी, बहुत अच्छा बनता है और इसमें बहुत विटामिन होता है। आप लोग देखे होंगे या नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, ऐसा होता है और इसको खाइए। कैसा है भैया ये सहजन का जो है, ये क्या रेट है? 100 रुपया पाला ये। 100 रुपया पाला मतलब कि जो है 100 रुपये का 5 किलो, तो 100 रुपये का 5 किलो मतलब 20 रुपये किलो पड़ा। तो आइए सजुवन तो मैं ले जाऊंगा, क्योंकि जहां मैं रहता हूं वहां पे नहीं मिलता है, तो ये चीज़ ले जाऊंगा। और इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है, खाने में बड़ा मज़ा आता है। देखिए यहां पर जो है पत्ता गोभी भी है, और ये श्रीफल भी जो बेल बोला जाता है वो भी है। बहुत कुछ यहां पे बिक रहा है और लोग जो है मार भीड़ लगी हुई है, लोग खरीद रहे हैं खूब। और हम भी चलते हैं अब थोड़ा मार्केट करते हैं, और जो है उसके बाद से निकलेंगे यहाँ से हम लोग। तो साथियों, अब हम लोग आ गए, ये कौन सा जगह है? दरौली मोड़। यहाँ ये दरौली मोड़ है, ये भी तिराहा है। देखिए यहाँ पे सब दुकानें लगी हुई हैं, और थोड़ी घनी आबादी है मैरवा की, ये देखिए। और यहाँ पे फलों की दुकानें हैं, और इधर ऐसे आप दरौली जा सकते हैं इस रोड से। और ये हरे राम बाबा का जो है यहाँ पे मंदिर है। तो साथियों, यहाँ से कुछ दूरी पर जो है हरे राम बाबा का तीर्थस्थल है, और हम लोग यहाँ पर जो है ये देखिए फल खरीद रहे हैं। लेकिन थोड़ा फल महंगा है, यहाँ पर अनार 150 रुपये दे रहे हैं, और केला जो है 50 रुपये 60 रुपये दर्जन है, और संतरा क्या बताएं भैया? 80 रुपये और 100 रुपये किलो। थोड़ा मैरवा में अपने यहाँ से थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि मैं जहाँ पे हुई समय वहाँ जानते ही हैं क्या स्थिति है। तो ये बाजार आप देखिए का, और इधर ट्रक आ गया, ट्रक जो है देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। ट्रक आ गया है और कह रहा अपनी मोटरसाइकिल हटाइए, हटा रहे भाई। इधर आप देख रहे होंगे ये कपड़ों की दुकानें इधर लगी हुई है, गेरुए वस्त्र यहाँ पे ज़्यादा बिक रहे हैं। और हरे राम बाबा मंदिर का जो है वीडियो तो अभी नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि समय नहीं है। तो दूसरे दिन कभी अगर जो समय मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको यहाँ का जो है दार्शनिक स्थल है तो ज़रूर घुमाऊंगा, दिखाऊंगा। और यहाँ पे लोग बताते हैं कि मछलियाँ हैं तालाब में बहुत बड़ी बड़ी सी, क्योंकि अगर यहाँ पे तालाब में मछलियाँ रहती हैं बता रहे हैं। यहाँ पे तालाब है और उन मछलियों का कोई खाता नहीं है, देखिए बता रहे हैं उन मछलियों को कोई खाता भी नहीं है। अच्छा, पहले सुने, पहले बताया जाता था यहाँ पे वो कुछ नत वाली मछली कोई होती। हाँ, देखिए बता रहे हैं कोई नत वाली मछली होती थी, है वो अब नहीं है, है? नहीं है, वो बता रहे हैं फल वाले भैया कि नहीं है। फिलहाल कोई बात नहीं, जब समय मिलेगा मैं आपको जरूर घुमाऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। साथियों, ये है बाबा हरे राम ब्रह्म मंदिर। तो कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको यहाँ जरूर घुमाऊंगा। आज थोड़ी व्यस्तता के कारण मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, और जो मैं पहले बताया कि किस प्रकार यहाँ क्या क्या है, बहुत कुछ है, मैं आपको दिखाऊंगा। जी हाँ साथियों, ये है सिवान जिला। जी वही सिवान जिला जहाँ पे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म स्थल है, जो कि मैं पहले ही आप सभी को दिखा चुका हूँ। और मैं उनके घर गया था, उनके घर को देखा था, तो बहुत ही अच्छा स्थान है। आप बिहार आइए कभी, वो बिहार भूल जाइए, कि जब कट्टा दिखाइए दीजिएगा तो कैसे आइएगा बिहार, वो भूल जाइए। इस समय आइए, बहुत सुंदर लगेगा आपको। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।